तो IRCTC के वेबसाइट पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट हो गया है। वेलकम टू IRCTC e-query। इधर OTP एंटर भी कर लिया है, मेरा टिकट कैंसिल हो गया था, पैसा ही नहीं आया। तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन है, यदि आप भी रेलवे से यात्रा करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं खुद का या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य का, तो IRCTC के वेबसाइट पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट हो गया है। एक नया ऑप्शन IRCTC ने प्रोवाइड कर दिया है, जिसका यूज करके भले ही आपके साथ किसी भी तरीके की समस्या है उसको छुटकारा पा सकते हैं। काफी लोगों की ID ब्लॉक हो जाती है, पैसा कट जाता है, टिकट बुक नहीं होता है, इससे रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन वहां पे दिए गए हैं। आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं वो ऑप्शन कहाँ पे है और क्या क्या ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कोई सा भी ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे IRCTC का लॉगिन करेंगे, लॉगिन वाले पेज पे हम जाएंगे। देखिए ये लॉगिन वाले पेज पे हम आ चुके हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे की साइड आपको आना है, यहाँ देखने को मिल रहा है कस्टमर कैन यूज इनहेंस इंटरफेस फॉर दियर IRCTC रिलेटेड क्वेरी। अब देखिए यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर भी लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन हमें बात नहीं करना है, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जो हाईलाइट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगली वेबसाइट ओपन होकर के आ गई है, काफी अच्छा लुक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेलकम टू IRCTC e-query। जी हाँ फ्रेंड्स, अपनी क्वेरी यहाँ से दर्ज आप करवा सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए केवल केवल आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद से सबमिट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया है, सबमिट करेंगे तो एक OTP आएगा। देखिए ये OTP आपको एंटर करना है, यहाँ पे 90 सेकेंड के लिए है ये OTP। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरा OTP आ गया है और उसके बाद से हमने इधर OTP एंटर भी कर लिया है। उसके बाद से हम वेरीफाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सफलतापूर्वक लॉगिन हम हो चुके हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई क्वेरी है। अब अगर कोई दर्ज करना चाहते हैं क्वेरी तो आपको यहाँ से करना है, और यदि पहले से आपने रेज किया हुआ है तो उसका स्टेटस यहाँ देखने को मिलेगा। तो अभी के समय में देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमने कोई भी क्वेरी रेज नहीं की है, सब ब्लैंक देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ई क्वेरी का ऑप्शन, इस पे जो ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो देखने को मिल रहा है हाउ कैन वी हेल्प यू टूडे, और यहाँ पे चूज कैटेगरी। सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। तो कैटेगरी क्या, रिफंड से रिलेटेड कोई इशू है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब सब कैटेगरी ओपन होकर के आ जाएगी, चूज सब कैटेगरी। अब यहाँ पे सब कैटेगरी चूज करना है। पेमेंट डिडक्ट हो गया है लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ है तो आपको ये वाला करना है, या फिर टिकट कैंसिल्ड हो गया है रिफंड नहीं हुआ है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे लॉन्ग टाइम से आपका रिफंड पेंडिंग आ ही नहीं रहा है, काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि मेरा टिकट कैंसिल हो गया था पैसा ही नहीं आया, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। TDR रिफंड के लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट फेल्ड हुआ है और तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अलावा भी काफी सारे यहाँ पे इशू देखने को मिलेंगे। देखिए रिफंड का इशू तो हमने देख लिया है, अब प्रोफाइल रिलेटेड कोई इशू है तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं कंसर्न क्वेरी कर सकते हैं। प्रोफाइल रिलेटेड इशू हम जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सब कैटेगरी चेंज हो जाएगी। आप अपना फॉरगेट यूजर ID भूल गए हैं, या फिर पासवर्ड भूल गए हैं, या फिर ID डीएक्टिवेट हो गया, सस्पेंडेड हो गया, काफी लोगों के ID सस्पेंड हो जाता है तो उस केस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। OTP का कोई इशू है मोबाइल के साथ, या फिर ईमेल पे OTP नहीं आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोफाइल में ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ई टिकट कैंसिलेशन का यहाँ पे इशू दिया हुआ है, ये आप सेलेक्ट करेंगे तो सब कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा कि कैंसिलेशन नॉर्मल रिफंड के लिए आपने का इशू है, या फिर कैंसिलेशन स्पेशल केसेस का है, या फिर TDR फाइलिंग का है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और भी ऑप्शन, यानी कोई इसके अलावा कोई और इशू भी है आपके साथ तो भी आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे एनी अदर क्वेरी का इशू का ऑप्शन है, ये हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सब कैटेगरी में आप देखेंगे काफी सारे इशू देखने को मिल रहे हैं, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम्स का इशू है, SBI कार्ड का इशू है, या फिर एजेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई एजेंट आपको परेशान कर रहा है, या फिर IRCTC अदर प्रोडक्ट का है, ई वैलेट का है, ई पास का है, PTO का है, या फिर अदर कोई क्वेरी है उसके लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट मोबाइल ऐप रिलेटेड कोई इशू है तो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी दर्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चूज सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में साइट नहीं खुल रही है तो भी आप कर सकते हैं, कितने बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है।
लेकिन साइट खुली नहीं रही है, तो आप यहाँ पे क्वेरी कैसे करेंगे? चलिए क्वेरी कर सकते हैं, इस वाली वेबसाइट का अलग लिंक है, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट यही वाला पेज ओपन होकर आएगा, वहां से आप क्वेरी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लॉगिन का इशू है, कोई तो कर सकते हैं कैप्चा नोट लॉगिन लोडिंग का है, तो आप क्वेरी कर सकते हैं। कैप्चा नोट लोडिंग काफी लोगों के इसमें देखने को मिलता है जब तत्काल टिकट बुकिंग करते हैं, या फिर जब टिकट बुकिंग का टाइम होता है, बिल्कुल टिकट चालू ही होता है उस दिन से टिकट बुक करना, तो उस टाइम देखने को मिल जाता है। तो देखिए ये दोनों वेबसाइट अलग है, देखिए यहाँ पे eQuery.irctc.co.in है ये वाली वेबसाइट, और जो आप टिकट बुकिंग करते हैं वो ये है www.irctc.co.in, इस वेबसाइट से आप बुकिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं IRCTC ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है, जैसे काफी लोगों की क्वेरी होती रहती है कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, कभी कस्टमर केयर को फोन नहीं लगता है और सही से रिप्लाई नहीं आ पाता है, तो उस टाइम आप यहाँ पे अपनी जो क्वेरी है वो दर्ज करा सकते हैं। अभी फिलहाल में मेरे पास कोई क्वेरी नहीं है, लेकिन मैं एक बार सेलेक्ट करके देखता हूँ रिफंड से रिलेटेड, तो कोई ऑप्शन आता है। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, टिकट का ट्रांजेक्शन आईडी आपको एंटर करना है, पीएनआर नंबर, दोनों में से कोई एक ही एंटर करना है और सर्च कर लेना है। तो अभी फिलहाल में मैंने एक पीएनआर नंबर एंटर किया है, सर्च करने पे देखते हैं कि क्या कुछ आता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एरर की ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड यू रॉन्ग हैव अटेम्प्ट बुकिंग ट्रांजेक्शन थर्ड पार्टी वेबसाइट है। तो अभी फिलहाल में हमारे इस पीएनआर पे कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई दूसरा पीएनआर में एंटर करके देख लेता हूँ। तो इस बार मैंने यहाँ पे दूसरा पीएनआर भी एंटर कर लिया, सर्च करके देख लेता हूँ, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है और यहाँ पे देखने को मिल रहा है डियर कस्टमर एज पर आवर रिकॉर्ड एक पैसेंजर का हमने टिकट कैंसिलेशन किया था और रिफंड मिल भी किया है और अकाउंट में जा भी चुका है, यहाँ बताया जा रहा है। अगर हमारे केस में ये रिफंड नहीं आया है तो एक ऑप्शन है रेज ए कंसर्न, रेज ए कंसर्न वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम डिटेल भी अपलोड करेंगे, एक इमेज या फिर डॉक्यूमेंट में आपका जो भी टिकट है वो अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपका पीएनआर नंबर तो उनके रिकॉर्ड में है ही है। उसके बाद से यहाँ पे आपका जो भी कंसर्न है वो आपको लिखना है, जो आपकी प्रॉब्लम है, और सबमिट कर देना है। तो उसके बाद से आपकी जो प्रॉब्लम है वो दर्ज हो जाएगी और ये जो प्रॉब्लम दर्ज होगी उसके बाद से इसका स्टेटस आप यहाँ पे कंसर्न रेज वाले ऑप्शन में आके देख सकते हैं, जो कि अभी के समय में नो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हमने अभी दर्ज ही नहीं किया है, क्योंकि गलत हम दर्ज नहीं कर सकते ना। अभी आने वाले समय में अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं तो मैं अलग अलग इशूज पे कंसर्न रेज करके भी आपको दिखाने वाला हूँ पूरे प्रूफ के साथ। अभी के लिए आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इस नए ऑप्शन को कैसे आपको यूज करना है। आपको ये नया ऑप्शन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं, अपनी बहुमूल्य राय दे सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए ही जबरदस्त बंदे माता।